और अभी आपको खबर देंगे, जिला बारखान के शहर रखनी के बाजार में धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके में अब तक 3 अफराद जाबहक और 8 अफराद जख्मी हो चुके हैं। इसी पर मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे यूसुफ मरी से। जी यूसुफ, बताइएगा ये धमाका कैसे हुआ और किस नौयत का ये धमाका था? देखिए, ये शहर में जो है वो मामूल की सरगर्मियां जारी थी। लोग जो है वो शहर से जो है आमद इतला जो पुलिस से हमें मिली है उस वक्त धमाका हुआ जब शहर में जो है लोगों की काफी तादाद मौजूद थी। धमाके से जो है इस वक्त एस एच ओ से हमारी बात हुई, उनके मुताबिक जो है वो 3 अफराद जामबाग हुए हैं जबकि मुख्तलिफ जख्मी है। इस वक्त रखते अस्पताल में एमरजेंसी काफिस कर दी गई है। पुलिस और लेडीज को अलर्ट कर दिया गया है। जो रेस्क्यू अमल है वो जारी है और जख्मियों की तादाद में जो है वो इजाफा बताया जा रहा है। इस हवाले से जो है वो रखनी हॉस्पिटल में जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी है। जी ठीक है, ये बताइए कि जख्मी अफराद की हालत कैसी है? देखिए, जख्मियों की हालत अफसोसनाक बताई जा रही है। तमाम जो रखनी का जो टीएचक्यू हॉस्पिटल है उसमें जो है वो सहूलियत न होने के बाद पंजाब के जो करीबी शहर है डीजी खान वहाँ पे उनको मुंतकिल किया जा सकता है क्योंकि टिबी अमले की कमी के बाद जो है वो जख्मियों को बेहतर तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बताइए कि इतराफ में ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ इस धमाके से? देखिए, मुतद जो दुकान थे जो मार्केट थी वहाँ पे भी जो है आमद इतला के मुताबिक जो है वो बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा दुकानों को जो करीब के मार्केट थे उनको नुकसान पहुँचा है। फिलहाल जो पुलिस है वो इस वक्त जो है मजीद शवाद इकट्ठी कर रही है और इस हवाले से मजीद मालूम जो है वो फराहम करेगी। ठीक है, वहाँ पर एनी शाहिदीन का क्या कहना है? देखिए, एनी शाहिदीन से अभी तक हमारी बात नहीं हुई क्योंकि अभी तक जो एक समा है लोग जो है वो भगदड़ मची हुई है। लोग जख्मियों को डीएचक्यू हॉस्पिटल मुंतकिल कर रहे हैं क्योंकि रेस्क्यू की कोई खास मुनजिम जो वहाँ पे तरीकेकार है वो मौजूद नहीं है। लोग अपनी मदद के तहत जो जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। तहम जो रखनी का जो अस्पताल है वहाँ पे कोई खास सहूलियत नहीं है। खदशा दायर किया जा रहा है कि जो जामबाग कफात है उनकी तादाद में इजाफा हो सकता है। ठीक है, ये भी हमें बताइए इस हवाले से कि पुलिस हुकाम का इस हवाले से क्या कहना है? कब तक तफ्तीश मुकम्मल कर ली जाएगी? हकायक इकट्ठे कर लिए जाएंगे? शवाहिद इकट्ठे कर लिए जाएंगे? आमादा इतलाक में धमाका आपसे कुछ देर कबल हुआ है। अभी तक जो है वो यहाँ पे जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जो मलबे उठाए जा रहे हैं, मजीद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मजीद लोग जो है वो मलबे तले जो है वो जख्मी होंगे। इस हवाले से अभी तक रेस्क्यू मिल जा रही है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया यूसुफ, आपने हमें अपडेट किया।